गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्पोकन इंग्लिश में आज हम एब्स्ट्रैक्ट नाउंस करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउंस क्या होते हैं? थिंग्स विच यू कैन ओनली फील एंड आइडियाज दैट यू कैन नॉट टच बट ओनली एक्सप्रेस आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउंस। वो भावनाएं जिनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो और विचार जिनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, उनको हम छू नहीं सकते, वो क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लाइक, जैसे कि ब्यूटी, सुंदरता आप महसूस कर सकते हो, टच नहीं कर सकते। एंगर, गुस्सा, डेंजर, खतरा, हेट्रेड, नफरत, जेलसी, ईर्ष्या, ये सब क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रूल्स टू मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके रूल्स क्या होते हैं? बाय एडिंग एन ई एस टू एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ अगर हम एन ई एस लगा दें, जैसे कि काइंड, दयालु, काइंडनेस, दया, ये क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सॉफ्ट, सॉफ्टनेस मतलब नाजुकता, नरमपन जो होता है। लेजी, आलसी, लेजीनेस, लेजीनेस क्या होती है? आलस, आलसपन जो होता है। हैप्पी, खुश, हैप्पीनेस, खुशी। ग्रेट, महान, ग्रेटनेस, महानता। बाय एडिंग आई ओ एन टू वर्ब्स, वर्ब के साथ अगर हम आई ओ एन लगा दें, जैसे सब्ट्रैक्ट के साथ सब्ट्रैक्शन लगा दिया, मतलब घटा करना। डिवाइड के साथ डिवीजन कर दिया तो भाग करना, भाग। एजुकेट, एजुकेशन, शिक्षा। रिपीट, बार बार मतलब पुनरावर्ती, रिपीटिशन, पुनरावर्ति, एक चीज़ को दोहराना। इमिटेट, इमिटेशन। डिसाइड, डिसीजन मतलब निर्णय, कुछ भी। और इसके अलावा बाय एडिंग वाई टी वाई और आई टी वाई, जैसे हम कभी कभी वाई टी वाई और आई टी वाई भी लगाते हैं, जैसे एबल, एबिलिटी मतलब क्षमता कुछ भी काम करने की। ब्यूटीफुल का ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। यूनिट, यूनाइटी मतलब एकता। पुअर, पावर्टी मतलब गरीबी। रियल, रियलिटी मतलब वास्तविकता। तो ऐसे हम ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं एडजेक्टिव के साथ रूल्स फॉलो करके। नेक्स्ट, राइट ए लेटर टू ए शॉपकीपर, इट इज़ ए लेटर ऑफ कंप्लेंट अबाउट द डिफेक्टेड आइटम दैट यू परचेज्ड फ्रॉम द शॉप। आपको एक लेटर लिखना है किसी शॉपकीपर से, आपने कोई सामान लिया था और वो घर जाने के बाद आपको डिफेक्टेड मिला, तो उसके बारे में कंप्लेंट लेटर आपको शॉपकीपर को लिखना है। पहले एड्रेस ऑफ द शॉप, उस शॉप का आप एड्रेस लिखोगे जहाँ से आपने ये लिया था सामान। सब्जेक्ट हमारा क्या है? फॉल्टी आयरन, मतलब किस विषय में हमें लिखना है। डियर सर, आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट टू डेज बैक आई बॉट ए स्टीम आयरन फ्रॉम यूर शॉप, दो दिन पहले मैंने आपकी दुकान से स्टीम आयरन मतलब प्रेस ली थी। आई स्पेशली ड्रॉ 40 किलोमीटर टू शॉप एट योर शोरूम बिकॉज आई हैड हर्ड दैट योर प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज ऑफ स्टैंडर्ड। और मैं इतनी दूर आपकी दुकान पर गया था ये सुनकर, किसी ने बताया था कि आपकी दुकान पर बहुत अच्छा सामान मिलता है। बट आई एम सॉरी टू से दैट व्हेन आई ओपन द पैकिंग ऑफ एट होम द आयरन वॉज ऑल डैमेज। लेकिन मुझे आपको बताते हुए खेद हो रहा है कि जब मैंने पैकेट घर जाके खोला तो पूरा डैमेज था उसके अंदर का सामान। प्रेस का जो हैंडल था, द हैंडल वाज ब्रोकन, उसका प्रेस का हैंडल टूटा हुआ था। एंड सो वाज द टेम्परेचर कैन नॉट नॉब, और इसी वजह से उसका जो हम वो नॉब घुमाते हैं जिससे हम प्रेस को तेज या कम कर देते हैं, वो पूरा टूटा हुआ था, इसलिए वो काम नहीं कर रहा था। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ यू मैनेज टू कीप सच ए फॉल्टी पीस इन योर शॉप। मुझे नहीं पता कैसे आपकी दुकान में ये फॉल्टी पीस मतलब ये मतलब ख़राब सामान आ गया। काइंडली रिप्लेस माई आयरन, कृपया मेरी आयरन को रिप्लेस कर दीजिए एट द अर्लीस्ट, जितनी जल्दी हो सके। योर्स फेथफुली, नेम यहाँ अपना नेम लिखेंगे, डेट आपने किस डेट पर लिया था, और अगर आपको घर पर मंगवाना है वो सामान, घर पर ऑर्डर करना था, तो आप नीचे अपना घर का एड्रेस देंगे। थैंक यू।